एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ शिवानी व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और शिवानी व्लॉग्स की वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल की हर वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और आप मेरे चैनल पेज को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज भी एक नॉर्मल डे है तो जो हम इस दिन करते रहेंगे आपको हम दिखाते रहेंगे। बच्चों की आज भी छुट्टी है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है, उनकी प्रेपरेटरी हॉलीडेज़ हैं तो कल काफ़ी पढ़ाई हुई, वो आपने देख लिया। हमेशा देखते होंगे कि मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हमेशा यहीं से करती हूँ जो मेरा बैकग्राउंड है, क्योंकि इससे अच्छा बैकग्राउंड और कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छी जगह लगती है मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की। तो चलो ठीक है। और आज हमारा जो नॉटी है उसका आज हमने ट्रेनर भी बुलाया है उसको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि किसी ने बोला है कि अभी वो छोटा है तो अगर आप उसको अभी ट्रेन करोगे तो वो जल्दी चीज़ें सीख लेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अपने नाम के हिसाब से बहुत नॉटी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि वो ट्रेनर जो है कैसे ट्रेन कर और क्या कर रहा है। जो चलिए मेरे साथ क्या करना है। गुड बॉय। तो आज इसकी ट्रेनिंग का ये फर्स्ट डे था, फर्स्ट चीज लर्न करी है इसने। गुड बॉय, क्लैप फॉर नॉटी। इतना अच्छा स्टूडेंट है ये कि अब किंचु कुछ। गुड बॉय, वेरी गुड। मतलब इसको ट्रीट देनी है जब नीचे बैठ जाएगा तो। वेरी गुड नॉटी, आज देना है इसको ट्रीट का। वेरी गुड नॉटी, गुड बॉय, गुड स्टूडेंट हो आप। सिट, अब नॉर्मल से बोल। बहुत दिमाग है इस लड़के में। सिट। वाओ, वेरी गुड। ट्रीट दे दो इसको। आज नॉटी की ट्रेनिंग हो चुकी है, तो हम जब नॉटी की ट्रेनिंग हो रही थी तो हम उसकी वीडियो नहीं बना पाए, पर जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी और जब हम उसको ऐसे नॉर्मली बता रहे थे कि क्या करना है तब की हमने वीडियो बनाई है, तो आप देख लेना। और मम्मी क्या कर रहे हो आप अभी? भाई आज मैं बहुत बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। आज देख लो जी, मैं अपना दीवान खोल के बैठी हुई हूँ और यहाँ पर ना मेरी बहुत सारी साड़ियाँ हैं। जो कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी चीज़ें ऐसे फेंक देते हैं, तो मैं अपनी ज़रा साड़ियाँ वाड़ियाँ निकाल रही हूँ, देख रही हूँ कि भाई क्या है, क्या वो ठीक से पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी। तो यहाँ पर मेरा एक सूटकेस है, उसके अंदर हैं ये साड़ियाँ, तो मैं अभी बस एक एक करके निकालती हूँ और मैं ना आपको दिखाऊंगी भी। मैं चाह रही थी कि मैं अब जैसे सफाई भी करूँ तो आपको दिखाती हूँ अपनी साड़ियों की कलेक्शन भी। तो मेरे साड़ियों के कलेक्शन के लिए बने रहिए। वैसे मैं साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, आपने मेरी शायद वीडियो में एक दो बार ही देखा होगा मैंने साड़ी पहनी है, पर इसका मतलब ये नहीं मेरे पास साड़ियाँ बिल्कुल नहीं है। मेरे पास साड़ियों की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। तो बस देखो, मैंने दीवान खोला है अभी, ये देख लो आप, ये सब दीवान खोला हुआ मैंने। तो मेरे को था कि एक बार मैं ज़रा इसके थोड़ा सा समेट लूँ, देख लूँ कि कौन सी साड़ी क्या है। तो जब मैं सब निकालूँगी तो एक एक करके आपको मैं सब साड़ियाँ भी दिखाती हूँ अपनी। तो आप देखिए आज मेरी कलेक्शन ऑफ साड़ीज़ का। तो चलो ठीक है, मैं एक बार निकाल लूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो जी, मैंने अपनी सारी साड़ियों का पिटारा यहाँ पर खोल लिया है और अब मैं एक एक करके आपको इस पिटारे को खोल के दिखाऊँगी कि इस पिटारे में क्या क्या है, कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, क्या क्या हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और सब कुछ सिमटा भी जाएगा, जो पैकेट्स ठीक नहीं है उसके पैकेट्स भी मैं ठीक कर दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो जी, मैं आराम से बैठ चुकी हूँ और जैसे हम साड़ी की शॉप्स में जाते हैं ना, आपको सब बैठ के आराम से तसल्ली से साड़ी दिखाते हैं, तो मैं भी तसल्ली से आराम से आपको साड़ियाँ दिखा रही हूँ। ये साड़ियाँ सेल में बिल्कुल नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पहनने की हैं, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। कई साड़ियाँ पैक है तो मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी, फिर मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। तो चलो चलते हैं अपनी पहली साड़ी की ओर। तो ये रही, ये साड़ी मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, मेरे मायके और मेरे ससुराल की तरफ से। तो मैं बताती जाऊँगी कौन सी साड़ी किसकी तरफ से है, ठीक है। तो ये देखिए मेरी पहली साड़ी है, ये मेरी मम्मी की साइड की है, इसमें मोतियों का काम हुआ हुआ है। सब साड़ियाँ मैंने बहुत बार पहनी है, इसमें मोतियों का काम हुआ हुआ और ब्लाउज पर भी मैंने मोतियों का ही डिज़ाइन बनवाया था। तो ये पहली साड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आती है दूसरी साड़ी, ये एक ये साड़ी है, आप ये देखिए, ये तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। ये साड़ी हमने ली थी मीना बाज़ार रजौरी से, और इतनी प्यारी साड़ी है ना ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें इसके पल्ले पे ना घुंघरू लगे हैं हल्के हल्के, और ये इतनी सुंदर लगती है ना साड़ी, इसके पल्ले पे लगे हुए घुंघरू, और ये देखो फ्रिल्स, ये पूरे ऑल ओवर फ्रिल्स हैं। बहुत प्रिटी साड़ी है ये, बहुत ही प्यारी साड़ी है ये। और इसका ब्लाउज जो है वो मैंने स्लीवलेस बनवाया था, और यहाँ पे भी नेट लगवाई थी, और आई मीन जो वो जो लगी हुई नेट इसके यहाँ पे। बहुत साड़ी प्यारी है, कम पहनी है
तो अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा इसको पहनूंगी, साड़ी को जल्द पहनूंगी, क्योंकि पहनी हुई कलर देखो कितना ब्राइट कलर है और कितना सुंदर लग रहा है, तो ये मैं जल्द पहनूंगी। चलो इसकी पैकिंग मैं अभी खोल के दोबारा करूंगी क्योंकि इसकी पैकिंग खराब हो चुकी है। ठीक है, तो ये मैंने मीना बाजार से ली थी। चलो अब नेक्स्ट साड़ी की बात करते हैं। तो ये एक और कलर है, ये थोड़ा मस्टर्ड कलर में है, वो ऑरेंज कलर था। हर कलर की साड़ी मिलेगी आपको मेरे पास, ये देख सकते हो आप, ये है मस्टर्ड कलर की साड़ी। इसके ऊपर थोड़ा जरी का, थोड़ा कुंदन का काम, थोड़ा सीक्वेंस का काम, ये ऑल ओवर साड़ी ऐसी है। और इसका ब्लाउज है, ये थोड़ा पैक हुई पड़ी है, ड्राई क्लीन हो गया, तो मैं इसको ज़्यादा खोलूँगी नहीं, जो खुली पड़ी है ना वो मैं खोलूँगी। ये भी मेरी मम्मी की तरफ की साड़ी है। ठीक है, और हाँ, ये आती है सिल्क की साड़ी। ये जब स्कूल में फंक्शन होता था ना, आपको ये पहन के जाना है ऑरेंज वाइट, तो मैं तब ये पहन लेती थी। सिल्क की साड़ी है, ये ऐसा बॉर्डर है और ये इसका ब्लाउज है, इसी के अंदर ये भी पैक करी हुई है। तो अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो अब अपने ही साइड की साड़ी दिखा रही हूँ सारी, जो मेरी मम्मी ने मेरे को दी थी। और ये वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी है, ये बंधेज की साड़ी है, तो आपने मेरे को मेरी वीडियो में भी देखी है ये वाली साड़ी, वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी है। ये वाला काम मुझे बहुत अच्छा लगता है बंधेज का, ये तो आपने मेरी वीडियो में देखी है। ये मैं सपना के घर पहने गई थी जब गुरु जी का सत्संग था, मुझे बहुत प्यारी लगती है साड़ी। अब पहनी हुई भी बहुत अच्छी है, कैरी करना भी बड़ा इजी है, बड़े जल्दी से इसको आप ड्रेप कर लो और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, ये भी एक साड़ी है मेरी मम्मी की तरफ से। अच्छा, एक और साड़ी है, मैं ज़्यादा खोल नहीं रही हूँ साड़ियों को। ये पहले थोड़े बॉर्डर वाली चलती थी, आपको ध्यान होगा इस टाइप के बॉर्डर वाली, ये ऐसा बॉर्डर है, ये देख लो, ये अभी बनवाई नहीं है, ये अच्छी चुप रही है। अभी मेरे पास दो तीन साड़ियाँ हैं मेरे शादी के टाइम की, जो मैंने बनवाई नहीं है, अभी तक नहीं बनवाई मैंने उसको, तो जब मौका मिलेगा तो बनवा लूँगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट साड़ी की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये कितना प्यारा बेबी पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर की है ये भी देखो, ये पूरा सीक्वेंस का काम है इसमें भी, और ऐसा ये पूरा सीक्वेंस का काम है इसमें, ये भी मैंने पहनी है। बहुत लाइट कलर, कई बार मन करता है लाइट लाइट कलर पहनो, तो ये सिर्फ ब्लाउज पे भी पूरा ऐसा ही काम है इसका। ये बहुत प्रिटी साड़ी, ये भी मैंने पहनी, हर साड़ी मैंने पहनी है, और कई तो साड़ी मैंने साड़ी कवर्स में रखे हुए हैं, इसमें बिल्कुल सेफ रहते हैं, और जो नहीं है उसको मैं फिर पैकेट्स में बंद कर देती हूँ। जैसे किसी का पॉलिथीन में रखा ना, उसको मैं कर दूँगी, पैकेट में बंद कर दूँगी। तो अभी मैं आपको जो भी साड़ी दिखा रही हूँ मैं अपनी तरफ की दिखा रही हूँ, और इधर की मैं आपको दिखाऊंगी, पहले ज़रा मैं इधर की दिखा दूँ। चलो एक और साड़ी है, ये देखो, ये तो ऑलमोस्ट, ये वाला जो डिज़ाइन और प्रिंट होता है, ये ऑलमोस्ट सबके पास एक ना एक साड़ी ऐसी होती ही है, ऐसी वाली बनारसी, ये बनारसी साड़ी, ये इस टाइप की सबके पास होती होती है, क्योंकि ये लगती सबको बहुत अच्छी है। ये भी ड्राई क्लीन करके रखी हुई है, मस्टर्ड और पिंक कलर की है, ये भी मैंने पहनी है, काफ़ी पहनी है मैंने ये, और उसके साथ का ब्लाउज भी ऐसा है। साड़ी है, हाँ ये एक साड़ी है, ये मेरी दादी की साड़ी है, मेरे पापा जब गए थे मद्रास, आपको पता है साउथ में कितनी अच्छी सिल्क मिलती है, तो ये मेरे पापा मेरी दादी के लिए लेकर आए थे, तो फिर जब दादी एक्सपायर होगी ना, तो मैं उनकी साड़ी ले आई अपने पास, और मैंने बहुत बार पहनी है, बहुत प्यारा सिल्क, बहुत प्यारा है। ये पल्ला है और अंदर तो गोल्डन कलर की है, डबल शेड की साड़ी है, देख सकते हो आप, साड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ पर है, साड़ियों का स्टॉक पूरा है मेरा। ये डबल शेड की है, इधर मस्टर्ड है और इधर एक लाइट कलर है, और पूरी साड़ी पे आपको काम मिलेगा। ये देखो, ये हैवी साड़ी है, ब्राइडल साड़ीज हैं ये सारी, ये लाइट, ये डार्क, और ये बहुत प्यारी साड़ी है, मैंने बहुत बार पहनी है। और एक और साड़ी आती है जी, ये भी सिल्क की साड़ी है, ये देखो जी, गोल्डन कलर, ये गोल्डन कलर है, और ये बॉर्डर है, और इसका बॉर्डर अंदर भी ऐसा है, जरी का काम जैसे होता है ना बोलते हैं, जो ऐसे वाले काम की साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप, और इसका जो ब्लाउज का डिज़ाइन था, ये मैंने थोड़ा दीपिका पादुकोण स्टाइल में बनवाया था, पूरा हाई नेक ऊपर, जैसे हाई नेक और थ्री क्वार्टर स्लीव्स का, यही मैंने बहुत पहने, बहुत ही स्मार्ट लुक आती है, बड़ी बड़ा सिल्क की साड़ी में आपको पता है बहुत ग्रेसफुल आता है, लुक बहुत ग्रेसफुल आती है, तो ये भी मैंने
तो ये जो मैंने अभी साड़ीज दिखाई ये सारी मेरी साइड की है। अभी ना इसमें एक दो चार साड़ियाँ मिस भी हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाई है, वो पता नहीं कहाँ पड़ी होंगी। तो ये सारी जो साड़ीज हैं ये मेरे मायके की तरफ से साड़ीज हैं, ठीक है। और एक साड़ी और थी मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने ना अपनी गोद भराई पे पहनी थी, अभी दिखी थी मुझे यहाँ पे साड़ी था, ये भी मैंने ढंग से लगानी है, ऐसे रखी है मैंने। ये देखो पूरी चटाक कलर की, मजेंटा कलर की मैंने अपनी गोद भराई पे पहनी थी है। जब कपड़े की इंचों को अभी खोल ही नहीं, ये देखो जी ये पूरी जटाक मजेंटा कलर की पिंक ये मैंने पहनी थी, तो ये गोद भराई की साड़ी है, ठीक है जी। तो ये सारी साड़ियाँ हो गई है मेरी मम्मी की साइड से। अब हम बात करते हैं इधर की साइड की साड़ियाँ अपनी।